शीला बाकी जी आ जाएंगे यहाँ पे, मनोज जी भी यहाँ पे आ जाएंगे। हरिओम। आदरणीय गुरुजी श्री डॉक्टर रामनानी, विशेष अतिथि व स्टाफ और जैन योगी मेरे साथी, सभी को मेरा साधारण प्रणाम। अष्टांग बुक जो है ये एक अनमोल खजाना है। इसमें वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, तो इसमें हमने देखा कि अगर खाने के समय हम मौन का पालन करें तो उसमें हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैन योगा जो है एक ये योगा का ध्यान है। भोजन के समय मौन का पालन करने से भोजन में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मेरे बताने से शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर अगर आप खुद अगर घर में ये करके देखेंगे प्रैक्टिस, तो आपको भी उनका फायदा पता चल जाएगा। और दूसरी बात, इसमें मुझे 3SRB का बहुत ही अच्छा लगा, 3-step breathing rhyming breathing। उसमें क्या था, हम लोग लेट जाते थे और एक भारी सी बुक जो 1.5-2 किलो वजन था उसका, वो हम अपने पेट पे नाभि से टच करके रखते थे और फिर हम आंखें बंद करके और हाथ जो थे सर के पीछे रख देते थे और उसमें हम धीरे धीरे उसमें जो विचार आ रहे थे वो कम होते जाते थे और उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सर बोलते थे एक अपना कोई भी सवाल ले लो या अपनी प्रॉब्लम ले लो तो उसे सॉल्व हो जाएगी। तो सच में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही थी जो वो लग रहा था हम कर रहे थे तो सॉल्व हो रही थी, उसका जवाब हमें मिल ही रहा था। और सर के बहुत ही शुक्राने हैं जो उन्होंने ये हमें सिखाया, ये ज्ञान बहुत ही अद्भुत है। और सर मैं आपसे, मैं सर से 2007 से योगा से जुड़ी हुई हूँ, तो जो भी कोर्स होते थे मैं सर को बोलती सर मैं नहीं कर पाऊंगी एज के अनुसार, मेरे को क्योंकि मेमोरी थोड़ी कम, तो सर बोलते नहीं शीला जी आप कर लोगे। और सचमुच ऐसा ही होता था, मैं कर ही लेती थी आपके साथ। मैंने प्रबोध अध्यापक सर जो भी कोर्स किए सर, अभी भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप जो भी कोर्स जैन योगा के करेंगे मुझे आप आशीर्वाद देंगे और मैं आपके साथ चलती हूँ।